तो हेलो गाइस फिर से बाहर बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में तो दोस्तों बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कंपनी एनएससी बी एस सी दोनों में लिस्टिंग है पच्चीस रुपये में शेयर का भाव मिल रहा है क्या इस शेयर को यहां से खरीदना चाहिए क्या इस शेयर ऊपर जाएगा नीचे गिर जाएगा फंडामेंटल कैसा है टारगेट क्या रहेगा पूरा डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे आपको रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिए चैनल पर नहीं हो तो बिल्कुल फ्री में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे आने से वीडियो आपको पर डे देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों सेंट्रल बैंक यहाँ पर आप देखोगे मिड कैप है लेकिन रिस्क कम है तो हम लोग पैसा लगा सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग को नजर क्या रहा है कंपनी एनएससी बी एस दोनों में लिस्टिंग है आज की डेट में डाउनफॉल है फाइव डे में डाउनफॉल है वन मंथ में डाउनफॉल है सिक्स मंथ में यहाँ पर दोस्तों चालीस रुपए तक गया था अभी भी फोर्टी परसेंट की अच्छा रिटर्न दिया है फाइव ईयर में सिक्सटी थ्री परसेंट की डाउनफॉल है मैक्सिमम देखोगे तो कंपनी सेवेंटी थ्री परसेंट की डाउनफॉल में मिल रहा है कंपनी नाइनटी सेवन रुपीज करके अगस्त दो हजार सात में लिस्टिंग हुआ था उसके बाद नीचे गिर गया से टू हंड्रेड तक गया था लेकिन यहां से दो हजार दस से नीचे नीचे मिल रहा है क्या ऐसा ऊपर जाएगा चलिए देखते हैं कंपनी का डिटेल्स देखेंगे तो कंपनी बी एस सी दोनों में लिस्टिंग बाईस हजार करोड़ का अच्छा मार्केट कैप रखा है स्टॉक भी ठीक है बुक वालू से नीचे सारे मिल रहा है हाई लो देख सकते हो डिविडेंड नहीं देता है आर ठीक है फेस वालू दस का है कर्जा थोड़ा ज़्यादा है रिजर्व रखा है आसडियड कर्जा से ज्यादा है जो कि अच्छा बात है वॉल्यूम ठीक ठाक है फ्रीकेज रखा है प्रॉफिट में चल रहा है अर्निंग पर सर पॉजिटिव नेटवर्क पॉजिटिव डिविडेंड नहीं देता है डेट टू इक्विटी ज्यादा है यानी कंपनी के ऊपर कर्जा ज्यादा है यहाँ पर ये देखने के लिए मिल रहा है ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक यानी गवर्नमेंट बैंक है और दोस्तों आप देखोगे तो आठ नंबर पर आता है क्वार्टरली अगर हम लोग प्रॉफिट चेक करेंगे प्रॉफिट में दोस्तों यहाँ पर हम लोग को ग्रोथ नज़र आ रहा है अगर हम लोग ईयरली देखेंगे ईरली प्रॉफिट भी ग्रोथ हुआ है उसके अलावा सेल ग्रोथ पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव सी पॉजिटिव रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव एसेट देखोगे एसेट में दोस्तों ग्रोथ है नेट कैश लो पॉजिटिव है होल्डिंग देखोगे प्रोमोटर नाइन्टी थ्री और एफ आई वेल जीरो पॉइंट वन नाइन डीआईल टू पॉइंट एट एट पब्लिक थ्री पॉइंट एट फोर तो इस सारा पैरामीटर को एनालिसिस करने के बाद अगर आप एक लॉन्ग टर्म की नजर लेकर आओगे पच्चीस रुपये से पचास रुपये तक ये सर आराम से जा पाएगा ठीक है तो होप करता हूं प्रवेशन आपको पसंद कि पसंद आएगी दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं वीडियो में तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों